हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन आधे परसेंट की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 180 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 165 रुपीज पर है, जो ग्रीन कलर की नीक लाइन देख रहे हैं। इस पॉइंट पर स्टॉक में सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉक के अंदर हमने 44 डेज का मूविंग एवरेज लगाएगा। आप ट्रेंड देख सकते हैं किस तरह स्टॉक के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार ऊपरी लेवल पर एक तेजी देखने को मिली है, पर स्टॉक 181 रुपीज के पास स्टॉक थोड़ा ट्रेंड चेंज कर रहेगा और स्टॉक कंसोलिडेट कर रहेगा। कंसोलिडेट का मतलब है कि स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहेगा। इसका रीजन ये है कि स्टॉक में ऊपर में एक रुकावट रेंज है 200 रुपीज पर। काफी समय से स्टॉक 200 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहेगा, ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। नीचे में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है स्टॉक का, नीचे में सपोर्ट लेवल 161 रुपीज का है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के नजरिया से स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो नीचे में 161 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट 195 रुपीज शॉर्ट टर्म के नजरिया से। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के नजरिया से स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 235 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं।